हाँ, सेव मेथड क्या होता है ना, सेव मेथड को समझने के लिए हमें दो चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी, एक तो इंसर्ट और दूसरा अपडेट। इंसर्ट में क्या होता है बताओ, नई आईडी के साथ नया रो इंसर्ट हो जाता है, यही होता है ना इंसर्ट में। जब भी इंसर्ट कुछ भी करोगे रिकॉर्ड, तो नई आईडी लेगा, क्या लेगा, नई आईडी लेगा। अनादर ओपन कैसे करते हैं, क्या लिखूं यहाँ पे, गुड। पढ़ने लगी है, ठीक है। हाँ, डेटाबेस शो करने के लिए क्या लिखते हैं, अनादा बोलते जाओ फटाफट, आज तेरी बारी है, बोलो। डेटाबेस शो करना है, क्या लिखो, शो डेटाबेस डिविज, ठीक है। अब डेटाबेस ओपन करना है तो मान लिया ये डेटाबेस ओपन करना है, टेक्नो, क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं, यूज और डेटाबेस का नाम, अब इसका कलेक्शन देखना है तो क्या लिखूं, बोलो फटाफट बोलते जाओ। हाँ, वेरी गुड, शो कलेक्शन, हाँ, अब इसका डेटा देखना है तो बोलो डीबी डॉट कलेक्शन कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड। चलो, पढ़ाई हो रहा है इसका मतलब तुम लोग का है, आ गया। अब एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, है ना, जगह का नाम दे देते हैं मुंबई, मुंबई का है क्या रिकॉर्ड, नहीं है ना, चलो मुंबई का रिकॉर्ड देते हैं, तो बोलो क्या लिखूं, इंसर्ट करना है नया रिकॉर्ड, बताओ क्या लिखूं, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डॉट इंसर्ट, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, एम्प्लॉय नेम, स्टूडेंट नाम है ना, एम्प्लॉय नेम ही है, ठीक है, ईएमपी नेम लिखते हैं ना पूरा वहां पे, रहने देते हैं, नाम कुछ भी दे दिया, और सैलरी दे देते हैं, और क्या देना है, सिटी, सिटी दे दिया मुंबई, ठीक है, मुंबई ठीक से लिखा हुआ है ना, हाँ, और क्या है, हो गया। अब देखना ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना, तो इसकी भी एक नई आईडी आ जाएगी, आ गया। अब ध्यान से सुनो, सेव का रिक्वायरमेंट, यदि अपडेट करेंगे हम तो अपडेट में क्या होगा, जिस फील्ड को अपडेट करोगे ना, तो हमने मान लिया सिटी इसका चेंज कर दिया, सैलरी चेंज कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया। अब ऑल रिकॉर्ड क्यों चेंज करा, सपोज ये आईडी वाला जो बंदा था वो मर गया, तो कंपनी में कहाँ आएगा, मर गया। हाँ अब हम चाहते हैं वही वाली आईडी किसी और को प्रोवाइड कर दें, समझ तो आ गई बात, अच्छा छोड़ के चल गया, मरने से इतना डरते हो तो ठीक है ना, छोड़ के भाग गया, ठीक है, मुझे के लिए क्या है? सबसे अच्छा जो वर्ड लगता है ना वो लगता है मरना, बहुत, हाँ, सबसे प्यारा चीज है, क्यों लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रूथ वही है, सच्चाई वही है, बाकी सारी चीजें झूठी है, वो फिक्स है, बाकी सारी चीजें फ्लेक्सिबल है दुनिया में, लेकिन मरना एकदम पक्का है, यही सत्य है, इसलिए मुझे बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, क्या, अरे दूसरे को मरते हुए देखा है ना, तो हम भी तो वैसे ही मरेंगे, तो फील कर लो, करते नहीं, तब देखो आई बात समझ में, अच्छा ओके ठीक है, किसी रीजन से पूरा का पूरा रिकॉर्ड चेंज करना है, पर आईडी नहीं चेंज करनी, तो अब क्या बात है, एक एक कोई चेंज होता तो अपडेट से हो जाएगा, पर वन बाय वन चेंज नहीं करना है, एक साथ इसी आईडी पे मुझे सारा इंफॉर्मेशन चेंज करना है, अपडेट करना है, नाम भी चेंज करना है, ठीक है,
सैलरी भी चेंज करनी है, सिटी भी चेंज करनी है। और इन केस तुमने सिर्फ दो ही चेंज करा ना, ये फील्ड हट जाएगा, ठीक है, अपडेट में हटता नहीं है। सेव में क्या होता है, ध्यान से सुनो, एग्जिस्टिंग आईडी पे पूरा नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, एग्जिस्टिंग आईडी पे पूरा नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, इंसर्ट में आईडी भी नहीं आ जाती है, ठीक है। तो इंसर्ट सेव में अंतर इतना है, इंसर्ट में आईडी भी नहीं बन जाएगी, सेव में एग्जिस्टिंग आईडी पे पूरा रिकॉर्ड नया ऐड हो जाएगा। क्लियर है, लिख लो, एग्जिस्टिंग आईडी पे, हाँ, एग्जिस्टिंग आईडी पे नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग आईडी पे पूरा नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। चलो ऐड करते हैं, देखो, तो इंसर्ट में हम आईडी नहीं पास करते, इंसर्ट में आईडी जनरली हम नहीं है ना पास करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे इंसर्ट के जगह पे लिख देंगे सेव, ठीक है, क्या लिख देंगे, सेव, और यहां पे आईडी भी ये वाला पास कर देंगे। इस आईडी को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर से कॉपी हो जाएगा, और यहां पे ला करके राइट क्लिक कर देंगे, इसे पेस्ट हो जाएगा, यहां पे आकर के राइट क्लिक कर दो, हो गया पेस्ट, कॉमा, नाम चेंज कर दो, ए के जगह पे बीबी कर दिया, ठीक है, सैलरी है ना, कुछ भी लिख देते हैं, सिटी रहने देते हैं, सिटी वही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या बोलता है, सेव इज नॉट अ फंक्शन, क्यों भाई, हैं, क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गया, क्या सही तो है, DBEMP आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी सेम है ना, देखो यहाँ मैच करो, आईडी ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, फील्ड्स वगैरह, सही सही तो है सारा। आपके पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब जितने रिकॉर्ड है ना, सब में एक फील्ड विथ स्पेसिफिक डेटा ऐड हो जाए, हर एक रिकॉर्ड में एक नया फील्ड ऐड हो जाए वैल्यू के साथ। मान लिया 10 रिकॉर्ड है या 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड में सब में एक नया ऐड हो जाए, ठीक है, तो फिर कैसे करोगे, है ना। जैसे अपने पास यहाँ पे किया फाइंड, यहाँ पे जैसे फाइंड करा, ठीक है, अब हर एक में एक फील्ड ऐड कर देना है, ईमेल है क्या, नहीं है ना, ईमेल, और हर एक में सेम ईमेल डाल देते हैं, या फिर कंपनी का नाम, कि ये सारे एम्प्लॉय एक ही कंपनी के हैं, तो लिख देते हैं कंपनी नेम, ठीक है ना। वो अपन कैसे ऐड लेंगे कर यहाँ पे, तो वो इसके थ्रू होगा, अपडेट मेनी के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे
डीबी डॉट ईएमपी, ईएमपी है ना कलेक्शन का नाम, अपडेट मैनी, अपडेट मैनी, एम बड़ा होगा है ना, अपडेट मैनी, चलें ठीक है। चलो इसका मतलब हुआ ऑल, और किसी स्पेसिफिक के करना है तो यहाँ क्राइटेरिया पास कर देना कि जो जयपुर के लोग हैं सिर्फ वहीं ऐड हो, तो यहाँ पे लिख देना सिटी जयपुर, ऑल में करना है तो ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर सेट, डॉलर सेट कोलन, एक फील्ड ऐड कर देते हैं अपन, है ना, क्या कंपनी ना टेकफोर्स, और कुछ ऐड करना है, सिंगल में भी लिख दे, और कुछ ऐड करना है बताओ। प्रोडक्ट है ना, क्या प्रोडक्ट करती है कंपनी, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐड हो गया 9 जगह, फाइंड करके देखो सब में ऐड हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी, सब ऐड हो गया ना। अब किसी स्पेसिफिक में करके देखते हैं, मुंबई सिटी, मुंबई, ठीक है ना, वो लोग यहाँ पे, ठीक है ना, एआई नहीं, ये लोग डेटा एनालिस्ट में काम करते हैं, डीए ऐड हो गया एक जगह पे, किधर है मुंबई वाला, मुंबई का है ये रहा। हाँ फाइन, ओके आ गया, चेंज हो गया ना, समझ आई बात, चलो लिखो, अब रिमूव करना है ना रिकॉर्ड को, क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनसेट कर देंगे, क्या कर देंगे, अनसेट, हटाना हो हर एक से तो सेट के जगह पे अनसेट यहाँ कर दो, क्या लिख देंगे, अनसेट, हट गया, फाइंड करके देख लो, हट गया ना, यहां से हट ही गया कंपनी एम और प्रोडक्ट, ऑल से हटाना है तो हाँ फिल्टर हटा दो, यहाँ से कंडीशन हटा दो, हट गया, सबसे हट गया, लिखो अब डिलीट करना है ना, रिमूव पूरा का पूरा रिकॉर्ड, सर्टेन फील्ड्स को नहीं, सर्टेन फील्ड्स को हटाना है तो अनसेट करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा रिकॉर्ड हटाना है तो, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट हटाना है तो डिलीट यानी रिमूव, ठीक है, इसमें भी दो है, ऑल हटाना है या सर्टेन को हटाना है, तो अपन क्या लिखेंगे, रिमूव, और अभी यदि यहाँ पे सिर्फ अपन ने लिख दिया रिमूव, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ऑल रिमूव, ठीक है, क्या बोलता है, आर्गुमेंट डालना पड़ेगा, ऑल गया सारा, जा खाली, समझ आ गया, अभी अंडू नहीं होगा, नया रिकॉर्ड डालो,
इनसेट वाला है अपने पास, है ठीक है ना, आ गया एक, आ गया और डाल लेते हैं, देख दो एम्प्लॉय नाम बीबी कर देते हैं, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। सैलरी रहने देते हैं, सिटी भी रहने दो, बताओ। दो रिकॉर्ड हो गया ना, एक और डालते हैं जयपुर का, आगे तीन रिकॉर्ड हो गए अपने पास। मुंबई वालों को उड़ा देना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, रिमूव है ना, और यहाँ कटरिया पास कर दो, क्या लिखोगे, सिटी बोलो, मुंबई। दो हट गए, एक ही बचेगा, समझ में आ गया, चलो लिखो।